Hello, myself Ram Lovansi. We will discuss about today's class. आज हम देखेंगे आज की क्लास का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग कि प्रोग्राम के थ्रू आप फाइल में कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू फाइल से कैसे रीड करते हैं, ठीक? और कितने टाइप्स की फाइल होती है। फाइल हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, जो डेटा हम स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं हम फाइल का यूज करते हैं। जैसे आपको अपना रिज्यूम बना के कहीं, तो आप कहीं ना कहीं किसी फाइल में क्या करते हैं, सेव करते हैं। अगर आपको कुछ नोट्स बनाना, तो नोट्स बनाने के लिए आप वर्ड फाइल में या पीडीएफ में या पीपीटी में कहीं ना कहीं आप डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज हम सी प्लस प्लस में देखेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू ऑटोमेटिकली फाइल कैसे बनाना है, उसमें फाइल में डेटा लिखना कैसे है प्रोग्राम के थ्रू, और फिर फाइल से डेटा को हम रीड कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले देखेंगे फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लासेस टू परफॉर्म आउटपुट एंड इनपुट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। यानी कि सी प्लस प्लस में अगर आपको फाइल से रीड करना है या फाइल में राइट करना है, तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट के लिए एक हमने देखा था कंसोल के लिए, ठीक है ना, इनपुट लेने के लिए आप सी इन यूज करते थे, आउटपुट के लिए आप सी आउट यूज करते थे। लेकिन अब हम कहाँ पर रीड राइट करने वाले हैं, इनपुट आउटपुट आपका कहाँ होने वाला है, फाइल में। तो उसके लिए जो हेडर फाइल हम यूज करते हैं ओएफ स्ट्रीम, जैसे वहां पर आप आईओ स्ट्रीम लिख रहे थे, आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज होता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम जो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे ओएफ स्ट्रीम यूज करेंगे। ओएफ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, स्ट्रीम क्लास टू रिटर्न ऑन फाइल्स, सॉरी हाँ, एफ स्ट्रीम क्लास इंक्लूड करेंगे फॉर इनपुट और आउटपुट। ओएफ स्ट्रीम स्ट्रीम क्लास टू राइट ऑन फाइल्स, अगर आपको किसी फाइल में डेटा लिखना है या फाइल में डेटा राइट करना है, तो आप किस क्लास का यूज करेंगे, ओएफ स्ट्रीम का। अगर आपको किसी फाइल से डेटा रीड करना है, तो डेटा रीड करने के लिए आप किस क्लास का यूज करेंगे, आईएफ स्ट्रीम का। स्ट्रीम क्लास टू रीड फ्रॉम फाइल्स ओएफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्लास टू राइट ऑन फाइल्स आईएफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्लास टू रीड फ्रॉम फाइल्स। एफ स्ट्रीम क्लास जो होती है, स्ट्रीम क्लास टू बोथ रीड एंड राइट फ्रॉम टू फाइल्स, अगर आपको फाइल से रीड करना है या फाइल में राइट करना है, तो एफ स्ट्रीम क्लास का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पहले इसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज एफ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल की भी जरूरत रहती है, जिससे फाइल क्लास आएगी, दैट इज एफ स्ट्रीम, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फाइल दो टाइप्स की होती है जनरली प्रोग्रामिंग में, एक होता है टेक्स्ट फाइल, जिसमें हम डेटा रीड राइट करके डायरेक्टली फाइल में जाके भी चेक कर सकते हैं, दूसरा होता है बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें, ए टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन आस्की कैरेक्टर्स। आस्की कैरेक्टर हमने पढ़ा था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज ईओएल, दैट इज एंड ऑफ लाइन। यानी कि हर एक लाइन किससे टर्मिनेट होती है आपकी, ईओएल से, इसी को क्या बोला जाता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। इन टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन लाइक प्लेस व्हेन दिस ईओएल कैरेक्टर इज रीड और रिटन। ए बाइनरी फाइल इज अ जस्ट फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमरी। इन बाइनरी फाइल देर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन, ऑल्सो नो ट्रांसलेशन अकर्स इन द बाइनरी फाइल्स। एज अ रिजल्ट बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल। अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें, तो टेक्स्ट फाइल में आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही डेटा आपका राइट होगा, तो नो सिक्योरिटी ऑफ द टेक्स्ट फाइल। लेकिन बाइनरी फाइल में आपका डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई भी डायरेक्टली जाके उस फाइल से डेटा को रीड नहीं कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस ओपन द फाइल्स इन टेक्स्ट मोड। तो यहाँ पर फाइल के मोड के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बाय डिफॉल्ट जो फाइल, अगर आप किसी फाइल को ओपन कर दो या डायरेक्टली आप किसी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फाइल जो होगी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मोड में ओपन होगी। अगर आप बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। तो दीज क्लासेस आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द क्लासेस। आई स्ट्रीम जैसे हमने देखा था सी इन के लिए भी यूज होता है, ओ स्ट्रीम सी आउट के लिए यूज होता है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ जो क्लासेस हम देखने वाले हैं आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम, तो यहाँ पर उसके साथ कुछ मेथड्स भी हम यूज करेंगे।
तो सबसे पहला ओपन ए फाइल, स्पेसिफाई हाउ इट्स ओपन। हम फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, यूजिंग आप डायरेक्टली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं या फिर आप ओपन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा तो वहां पर हम एफ ओपन मेथड यूज करते थे, वो आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता था कि इस फाइल में डेटा रीड राइट करना है और उस फाइल का मोड क्या होगा, रीड एंड राइट एंड टाइप बाइनरी और टेक्स्ट। जब आपका फाइल में से रीड राइट करने का काम हो जाता है तो आपको फाइल को क्या करना है, क्लोज करना। तो क्लोज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, क्लोज, रीड फ्रॉम अ फाइल राइट टू अ फाइल। क्लियर यहाँ तक? तो हम आज एग्जाम्पल में देखेंगे कि भाई प्रोग्राम के थ्रू फाइल में हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने कमेंट में यहाँ पर लिखा है राइटिंग, किस फाइल में लिखने वाले हैं अभी, टेक्स्ट फाइल में, राइटिंग डेटा ऑन टेक्स्ट फाइल। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, क्यों, क्योंकि सी आउट सी इन तो आप यूज करने ही वाले हैं। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा हेडर फाइल हैज इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ठीक। और इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीबी क्या करेंगे, यूज करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब मुझे क्या करना है, जैसे एक प्रोडक्ट का नाम इनपुट लेना है और उसकी प्राइस इनपुट लेना है, तो मैंने यहाँ पर पहले मेन मेथड लिखा इंट मेन। आप क्या करने वाले हो, फाइल में राइट करने वाले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनाया जिसमें पी नेम यानी कि प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पर साइज दे दी इसकी 30 और उसके बाद में उसकी प्राइस, तो प्राइस के लिए मैंने क्या ले लिया, फ्लोट, ठीक। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम और प्राइस यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद आपको फाइल में उसको लिखना है या राइट करना। तो पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो मैसेज देंगे सी आउट इंटर प्रोडक्ट नेम सी इन पी नेम सी आउट इंटर प्रोडक्ट प्राइस। ये हम कीबोर्ड से इनपुट लेके फाइल में लिखने वाले हैं, इंटर प्रोडक्ट प्राइस, ठीक। तो प्राइस के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, प्राइस, ठीक। अब आपको फाइल में लिखना है, तो देखिए हम कौन सी क्लास यूज करेंगे, ओ एफ स्ट्रीम। अगर आपको फाइल में लिखना है तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, ओ एफ स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। और यहाँ पर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपको क्या यूज करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब आप यहाँ पर फाइल का नाम पास करेंगे कि किस फाइल में आप डेटा राइट कर रहे हैं, उस फाइल का नाम। देखिए अगर आपके पास फाइल नहीं बनी होगी और यहाँ पर जो भी हम फाइल का नाम पास करेंगे तो लिखते वक्त फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो सपोज मैंने फाइल का नाम का क्या दिया है, एलन सिटी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये फाइल कहाँ बनेगी, तो जहाँ पर भी मेरा ये प्रोग्राम सेव होगा, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, कहाँ पर सेव किया प्रोग्राम को, फाइल में गए सेव एज में जाके मैंने क्या कर दिया इसको, विल गो टू डेस्कटॉप की जगह, या फिर हमने डायरेक्टली इसको सेव कर दिया है डी ड्राइव में और इस फाइल का नाम दे दिया usp.cpp, ठीक। तो वहाँ पर जाकर आपकी lnct नाम से एक टेक्स्ट फाइल बनेगी और उसमें जो हम डेटा लिख रहे हैं वो लिखा जाएगा। लेकिन उसके लिए अब ऑब्जेक्ट का नाम, जब भी आप लिखते हैं तो लिखते वक्त हम कौन सा सी आउट यूज करते हैं और सी आउट के थ्रू क्या, सी आउट के साथ जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, क्या बोलते हैं। तो जब भी आप फाइल में लिखेंगे तो आप यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, तो सपोज ऑब्जेक्ट का नाम क्या, एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स वाई जेड इंसर्शन ऑपरेटर। क्या लिखना है आपको फाइल में, प्रोडक्ट का नाम, पी नेम, ठीक। अब लाइन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप स्लैश एन लगा सकते हैं या एंडल, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लाइन चेंज करने के लिए क्या लगा दिया है, एंडल। ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद आपको फाइल में क्या लिखना है, प्रोडक्ट का प्राइस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड और इंसर्शन ऑपरेटर फॉलोड बाय नेम ऑफ द वेरिएबल। तो हमें क्या लिखना है, फाइल में प्राइस लिखना है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया पास, प्राइस, ठीक। और यहाँ पर भी आप लाइन चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, एंडल। अब ये जो डेटा आप फाइल में राइट कर रहे हो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जहाँ पर आपकी फाइल बनी वहाँ जाकर आपको चेक
करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप मैसेज भी दे सकते हैं, सी आउट एंड एल डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ये मैसेज आपका कब आएगा, जब आप फाइल में और जब आपका काम हो गया तो आपको फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ओएफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड क्लोज। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर पहले हमने यूजर से प्रोडक्ट का नाम प्राइस इनपुट लिया, फिर फाइल में लिखने के लिए हम ओएफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो LNCT नाम से फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी, अगर होगी तो ओवरराइड हो जाएगी। यहाँ पर पहले हमने नाम राइट किया और फिर प्राइस को क्या कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप जैसे ही रन करेंगे तो पहले मैसेज आएगा इंटर प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम में मैंने पास किया मोबाइल और प्राइस मैंने पास कर दिया यहाँ पर 25,000.500। तो आपके सामने मैसेज क्या आ रहा है, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब हम कहाँ पर जाके चेक करेंगे, तो हमारी फाइल कहाँ पर सेव थी, ये प्रोग्राम जहाँ पर सेव था वहीं पर आपकी इस नाम से फाइल क्या होगी, क्रिएट। तो प्रोग्राम जो आपका सेव था डी ड्राइव में, तो विल गो टू डी ड्राइव। डी ड्राइव में आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए LNCT नाम से एक फाइल बनी है, आज की डेट आ रही है 3/21/2020। इस फाइल को आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए फाइल प्रोडक्ट के नाम में क्या आ रहा है, मोबाइल, और प्राइस में क्या आ जा रहा है आपका 25,000.5। तो इस टाइप से आप फाइल में डेटा क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये था हमारा, जब भी आप फाइल में डेटा राइट करोगे तो आप यूज़ करोगे ओएफ स्ट्रीम। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल से डेटा रीड करूँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ फाइल से डेटा को रीड करना है। तो अब हम सेम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़र से इनपुट नहीं लेना है, अब आपको फाइल से रीड करके डेटा को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है रीडिंग डेटा फ्रॉम डेटा ऑन टेक्स्ट फाइल। अब आपके पास फाइल में जो डेटा है उस डेटा को रीड करके आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो रीड क्या करना है, पी नेम और प्राइस, और यहाँ पर हम ओ एफ स्ट्रीम की जगह यूज़ करेंगे IF स्ट्रीम। अब हम क्या करने वाले हैं, फाइल से रीड करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैंने दिया ABC। किस फाइल से रीड करेंगे, LNCT। फाइल में डेटा होगा तभी रीड होगा, अगर फाइल के अंदर डेटा नहीं है तो आप फाइल से डेटा रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम क्या रीड करेंगे, IF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ABC, इनके साथ जो ऑपरेटर यूज करते थे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, क्या रीड करना है पहले आपने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में आपने फाइल में डेटा राइट किया है उसी सीक्वेंस में आप फाइल से डेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो सीक्वेंस शुड बी सेम, राइटिंग एंड रीडिंग। इसके बाद नेम रीड करने के बाद आप किसको रीड करेंगे, एबीसी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर प्राइस, यानी कि जो फाइल में प्रोडक्ट का नाम होगा वो नाम रीड होके किस में आ जाएगा, पी नेम में, और जो प्राइस होगा वो रीड होके किस में आ जाएगा, प्राइस में। और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया डेटा रीड सक्सेसफुली। अब हमें डिस्प्ले करवाना, भाई हमने रीड तो कर लिया लेकिन आपको क्या करना है, डेटा को रीड करने के बाद डिस्प्ले करवाना। तो डिस्प्ले करने के लिए अगेन आप क्या यूज करेंगे, सी आउट, और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया रीड करने के लिए, आप मैसेज लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, रीड प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द फाइल। तो यहाँ पर किस में रीड किया है आपने, पी नेम में, तो आप उसका नाम क्या कर देंगे, पास। ऐसे ही आप प्राइस को भी डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट स्लैश एन रीड प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम द फाइल। तो यहाँ पर किस वेरिएबल में आपने रीड करके रखा है, प्राइस में, तो आप उसका नाम दे देंगे, ठीक। देखिए हमने यहाँ पर कहीं से यूजर से इनपुट नहीं लिया, आपने डेटा कहाँ से रीड कर रहे हैं, IF स्ट्रीम से। जब आपका काम हो गया तो आपको फाइल को क्या कर देना है, क्लोज कर देना। तो क्या लिखेंगे, ABC.close, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इसके बाद आपको प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। कंपाइल, जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव होगा उसी लोकेशन से वो LNCT फाइल को सर्च करेगा। अगर वहाँ पर फाइल मिल जाती है तो उससे डेटा रीड करके आपको कंसोल पे क्या कर देगा, डिस्प्ले। तो देखिए पहले मैसेज आ रहा है, डेटा रीड सक्सेसफुली, रीड प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द फाइल मोबाइल, रीड प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम द फाइल दैट इज प्राइस। तो ये प्राइस आपका 25,000 था। तो इस टाइप से हम फाइल से क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा टेक्स्ट फाइल के थ्रू डेटा को रीड राइट करना। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।